भारत के उपराष्ट्रपति के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी की जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में दुर्ग पटेल चौक पर पुतला दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर दिए गए टिप्पणी के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में दुर्ग पटेल चौक पर बड़ी संख्या में भाजपाई पहुंचे और नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाया। साथ ही इस अभद्र टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक माफी मांगने की बातें कह डाली। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। देश के उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ जी के विरुद्ध में विक्री किया है और जिससे उम्मीद नहीं किया जा सकता, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका की जरूरत है इस देश में। ऐसे परिवार जो परिवारवाद के बेला में पला है, बढ़ा है और आगे चल भी रहा है, राहुल गांधी जी इसके दोषी हैं। आज दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु बहनों ने राहुल जी का पुतला दहन किए हैं और राहुल जी के विरुद्ध में विचार भी व्यक्त किए हैं। मैं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते निंदा करता हूँ और देश में ऐसे जो संवैधानिक पद में बैठे हैं, महामहिमों से जो सुशोभित होते हैं, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है संवैधानिक पद में है और राजनीतिक के पदों से काफ़ी ऊपर आते हैं, सम्माननीय है। ऐसे लोगों के विरुद्ध में निक्री करना ये राहुल गांधी जी को बहुत ही निम्न स्तर का कृत्य है। मैं निंदा करता हूँ और थोड़ा आप मीडिया के बंधु बहनों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांग के एक नया इतिहास रचना चाहिए, देश में अच्छे परंपरा का शुरुआत करना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।